Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. आज से 600 साल पुरानी बात है. This is the matter of, yeah, it's the matter of 6 years ago. इसको जरा अलहदा कर लें दूसरे हिस्से से. यानी मैं एक दरमियाने साइज की कंपनी चला रहा था, इसको इसे अलहदा रख लेते हैं. ये आज से 6 साल पुरानी बात है. इट वॉज 6 years ago. इसको सिंपल लिख देंगे फिर भी बात ही नहीं. एगो जब हम लिखेंगे तो आज से पहले 6 साल की बात हो जाएगी. तो इट वॉज 6 years ago. बात की इंग्लिश करने की जरूरत ही, इसको टॉक में करें तो इस तरह ये गलत हो जाएगा. मैं एक दरमियाने साइज की कंपनी चला रहा था. आई वॉज रनिंग मीडियम साइज्ड कंपनी और मीडियम लेवल कंपनी. आई वॉज रनिंग अ मीडियम लेवल कंपनी. इस तरह से इसको कर सकते हैं. हम लोग अमरीकी कंपनियों को आईटी सॉल्यूशन देते थे. वी प्रोवाइड सॉल्यूशन, वी प्रोवाइडेड, ये पास्ट इंडेफिनेट है. वी प्रोवाइडेड आईटी सॉल्यूशन टू द अमेरिकन कंपनीज. वी प्रोवाइडेड या वी गेव आईटी, वी गेव आईटी सॉल्यूशन टू द अमेरिकन कंपनीज. हमारे सॉल्यूशन $10-15 मालियत के होते थे. एंड आवर सॉल्यूशंस कॉस्ट देम, हम देम लिख सकते हैं, उनको पढ़ते थे, उनकी मलकियत उनको पड़ती, कॉस्ट देम $10-15. लेकिन हमारे ग्राहकों की तादाद ज्यादा थी. बट द नंबर ऑफ आर कस्टमर्स वॉज लार्ज. द नंबर ऑफ जब हम इस्तेमाल करते हैं, ये तादाद के लिए आता है, तो द नंबर ऑफ आर कस्टमर्स वॉज लार्ज. यानी वॉज के साथ लिखेंगे, इसको हम सिंगुलर में लेते हैं. द नंबर ऑफ आर कस्टमर वॉज. लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखेंगे आ नंबर ऑफ, जो फॉर एग्जाम्पल आ नंबर ऑफ पीपल वर देयर, ये जमा में आएगा. नंबर ऑफ जमा है, द नंबर ऑफ तादाद के लिए जब हम लिखते हैं तो फिर ये वाह जाता है. तो लेकिन हमारे बट द नंबर ऑफ आर कस्टमर्स वॉज लार्ज. चुनाचे $10-15 एक दूसरे के साथ जरब खाकर बड़ी रकम बन जाते थे. चुनाचे देयरफॉर दीज $10-15 व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बिकम्स बन जाते थे. इट बिकेम अ बिग अमाउंट या इट बिकेम अ बिग अमाउंट व्हेन इट वॉज मल्टीप्लाइड बाय $10-15. हमारे काम के साथ साथ 350 लोग वाबस्ता थे. $300-350 पीपल वर द पार्ट ऑफ आवर वर्कफोर्स. इस तरह से कर लें, या द सॉरी 300 to 350 पीपल वर अटैच्ड विद आवर वर्क. ये लोग, ये चूंकि पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट का वर अटैच के साथ करेंगे तो ये इसका पैसिव वाइज बनेगा. ये लोग अपने घरों में बैठकर काम करते थे. दीज पीपल डू देयर जॉब एट देयर होम्स. यानी बैठकर काम करते थे. इसके लिए यहाँ पे रिजाइडिंग जो लिखा हुआ है ये गलत है. रिजाइडिंग लिखने की जरूरत नहीं है. हम उनका काम यूं करते थे, अब ये क्लियर नहीं है. और उन उसकी नौक पलक संवार कर उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाकर कंपनियों को भेज देते थे. अगर हम इसको यूं लेके हम उनका काम यूं करते तो इन दिस वे वी डिड देयर वर्क. हम वी डिड देयर वर्क इन दिस वे. हम इस तरीके से, इस तरह से उनका काम करते थे. और उसकी नोक पलक संवार कर उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाकर कंपनियों को भिजवा देते थे. एंड वी सेंड आवर सेंट होगा चूंकि ये भिजवा देते थे. वी सेंट आवर वर्क आफ्टर स्टैंडर्डाइजिंग इट एट द प्रेस्क्राइब्ड इंटरनेशनल लेवल. हमारी जिंदगी हमवार और रवा दवा चल रही थी. ये जो नीचे लिखा हुआ है कि लाइफ वॉज गोइंग स्मूथली एंड फ्लुएंटली, दिस इज रॉन्ग. इसको आपने इस तरह से लिखना है, हमारी जिंदगी हमवार और रवा चल रही थी. आर लाइफ वॉज मूविंग
moving as smoothly, yeah, our life was smooth and running smoothly, running fluently, रवा चल रही थी, या इसको थोड़ा सा इसको और तरह से चेंज करना, our life was going smooth and fluent, ये सबसे अच्छा होगा, our life was going smooth and fluent, मगर फिर अचानक से, मगर, but, within no time, फिर अचानक, within no time, अचानक, सदर ओबामा ने पॉलिसियां तब्दील करना शुरू कर दी, the President Obama, ये तो लिखा हुआ है नीचे, the President Obama started to change the policies, इसके साथ the last में लिख लें, President Obama started changing the policies, या began to change the policies, started to change भी लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा है कि started changing the policies, यानी start plus ing, या began to change the policies,